हालेलुया, सभी ब्रदर एंड सिस्टर को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम आपको बताएंगे कि अंकुर नवला मिनिस्ट्री का जो लेहन फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है। कई लोगों को नहीं आता ये फॉर्म भरना। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि लेहन फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल या किसी ब्राउज़र पर जाके ankurnavula.org टाइप करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये टाइप करने के बाद आपने सर्च बटन पर क्लिक करना है और आपने नीचे आ जाना है, जो क्वेश्चनेयर लिखा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। अंकुर नवला मिनिस्ट्री का पेज खुलने के बाद आपने नीचे जाना है और सबसे पहले नाम भरने का ऑप्शन आएगा, और सबसे पहले आपने अपना नाम भर देना है। फर्स्ट नेम में आपने अपना नाम भर देना है, और जैसे कि लिखते हैं हम कुमार लास्ट नेम, वो आप लास्ट नेम में लिखेंगे। नीचे हम जेंडर में भर देंगे, आप लड़का हो तो मेल पे करोगे, लड़की हो तो फीमेल पे, और एज अपना भर देंगे, जो भी आयु है आपकी। और आपने भर देना नेशनली पे कि आप कहाँ रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया पे आपने क्लिक कर देना है, या फिर आपने टाइप कर देना है जहाँ के भी हो आप वहाँ पर टाइप कर देना है। और आपने प्रोफेशन पर लिखना है कि आप क्या काम करते हैं, उसके बारे में लिखना है आपने। देखिए दोस्तों, जैसे हम भर रहे हैं, जैसे कि वो लेबर हैं तो हम लेबर भर रहे हैं। और आपने यहाँ पे एक ईमेल डाल देना है जो आपके मोबाइल में है, कोई भी ईमेल डाल सकते हैं आप यहाँ पे। हर एक के फ़ोन में होता है, हर एक के स्मार्टफोन में ईमेल होता है ज़रूर। और आपने यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है, फ़ोन नंबर जिस पे आपको कॉल आए। और आपने यहाँ पे किसी भी रिश्तेदार का या अपने भाई या बहन का किसी का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, रिलेटिव का। और आपने यहाँ पे नीचे आके एड्रेस पे अपना एड्रेस भर देना है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एड्रेस भर देना है, जैसे भी हमने भर दिया। और जो रिलेटिव फ़ोन नंबर है वहाँ पे आप एक नंबर घर का किसी का भी भर दो। और जो ईमेल है, ईमेल में आप भर सकते हो किसी का भी, मतलब घर में से किसी का भी ईमेल भर सकते हो। नीचे पूछा गया कि आप बीमार हो कि नहीं, यस या नो, तो आपने अगर बीमार हो तो यस कर सकते हो, अगर नो हो तो नहीं कर सकते हो। और आपने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे आपने विस्तार से लिख देना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो जिसके लिए भी आपने प्रे करवाना है वो भी यहाँ पे पूरा लिख देना है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और नीचे यहाँ पूछा गया है कि आप कब से इस बीमारी में हैं, कब से आपकी ये समस्या है, कब से आप इस प्रॉब्लम में हो, ये आपको बताना है। 2 साल से 4 साल से, जो भी जितने भी साल से जितने दिन से प्रॉब्लम है बताना है यहाँ पे। और आपने यहाँ बताना है कि आपने जो भी यहाँ पे दवाइयाँ ली हैं, जो भी कुछ आपके पास रिकॉर्ड है आपने यहाँ पर लिख देना है, कि आपने कितने साल से कहाँ से दवाई ले रहे थे, क्या है, जो भी है वहाँ पर आपने लिख देना है कि आपने कहीं से दवाई ली, कौन से डॉक्टर से दिखाया, मतलब सब कुछ आपने यहाँ पर लिख देना है। और आपने यहाँ लिख देना है कि इस समस्या से, जो भी आपके बीमारी है, प्रॉब्लम है, उससे आपको क्या, मतलब प्रॉब्लम है किससे, मतलब क्या आप इससे कैसे जूझ रहे थे, कैसी हालत में हो इस प्रॉब्लम के कारण, ये आपने यहाँ पे पूरा लिख देना है कि क्या महसूस करते हैं आप इस प्रॉब्लम से, कितना तकलीफ होती है आपको, ये सब पूरा लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने भरना है, जो भी लिखना है, कि यहाँ पे कभी आप अस्पताल में दाखिल हुए हो या नहीं, तो आपने यहाँ अगर हुए तो सही है, नहीं तो नहीं। नीचे आके आपसे ये पूछा गया है कि क्या आपके कभी कमर में बेल्ट लगा है, अगर लगा है तो यस कर देना, अगर नहीं लगा तो नो कर देना। और फिर नीचे आके आपने यहाँ देखना है कि आप किस सहारे चलते हैं, किस छड़ी या किसी की सहायता लेकर तो नहीं चलते, जो लंगड़ा होता है, अगर आप
छड़ी लेकर चलते हो तो यस कर देना, अगर नहीं चलते तो नो कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। और नीचे आके आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी स्वास्थ्य स्थिति का समर्थन करने के लिए किसी चिकित्सक उपकरण का उपयोग करते हैं, मतलब कि जैसे कि एक दमा वाला व्यक्ति जो स्प्रे का यूज़ करता है, वो भी एक डिवाइस है, और जो जो सुनने के लिए जो बहरा होता है वो सुनने के लिए वो डिवाइस का उपयोग करता है, वो भी एक डिवाइस है। अगर आप और भी डिवाइस हैं, पर अगर आप कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं यस और नो, आप इनमें से किसी भी सिलेक्ट कर लेना, यस पे या नो पे। करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आपसे पूछा गया है कि जो भी आप कोई भी काम करते हो या काम पे जाते हो तो किसी की और की सहायता लेके करते हो या खुद करते हो। अगर आप किसी की सहायता लेते हैं तो यस कर सकते हो, अगर नहीं लेते तो नो कर देना। यहाँ नीचे आपसे आपकी फ़ोटो मांगी गई है तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। और नीचे आके आपसे पूछा गया है कि आपने जो भी बीमारी के समय आपने कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी करवाई है, अगर करवाई है तो यहाँ पे हाँ लिख देना, अगर नहीं करवाई तो नहीं लिख देना। और जब आप नीचे आओगे तो आपसे पूछा गया है कि आपको ये मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, तो आपने बता देना है कि आपको इस चर्च के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पे सब कुछ लिख देना कि किसने आपको बताया, कैसे आप इस चर्च में आए और आपको कौन लेके आया, सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। उसका नाम भी लिख देना है, जो भी आपको लेके आया सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। आपके रिश्तेदार कोई भी आपको जो भी यहाँ लेके आया सब आपने यहाँ पे लिख देना है पूरी डिटेल के साथ। और नीचे आओगे तो यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपने मन की दिल की बात जो भी है परमेश्वर से आप जो चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और सबमिट हो जाएगा, बस आपका फॉर्म फिल। यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंट। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने कुछ महीनों तक इंतज़ार करना है, 3-4 महीने या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। और जब भी आपका लेहेंड होगा तो आपको चर्च की तरफ से एक कॉल आएगा, उसमें बता दिया जाएगा कि आपका लेहेंड कब है, तो आप वेट करना। और हाँ, एक गलती मत करना कि आपने फॉर्म भरने के बाद कुछ दिनों तक इंतज़ार किया और आपकी बारी नहीं आई तो आप कहेंगे कि मैं फिर से फार्म भर लेती हूँ या भर लेता हूँ। तो फिर जो भी आप फार्म भरोगे तो आपका जो फार्म ऊपर होगा तो वो नीचे चल जाएगा, तो आपकी बारी जल्दी नहीं आएगी। इसीलिए आपने सिर्फ एक बारी फॉर्म फिल करना है और आपने वेट करनी है, पेशेंस रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि जल्दी से जल्दी मेरे लेहेंड की बारी आए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि लेहेंड फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की।